ये हो क्या रहा है? आप इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, असल व्यस्तता का क्या कारण? जो दिव्यांग हैं ब्लॉक के हैं, पूरे ब्लॉक में दिव्यांगों का कैंप इसलिए लगाया गया है कि हर दिव्यांग कर्मी नहीं पहुँच पाते हैं। तो जो कर्मी नहीं पहुंच पाते हैं वो कम से कम अपने ब्लॉक तक आए। तो जैसे ट्राई साइकिल है, व्हील चेयर है, पैसा की है, कान की मशीन है, या वाइब्रेट छड़ी है, या कोई दिमाग से पागल टाइप है कोई लड़का या बच्ची कोई भी हो तो उसको किट है। ये चीज़ें यहाँ आज पंजीयन हो रहा है। और ये जैसे बच्ची ब्लॉक स्तर पर जो पंजीयन शुरू हुआ किसके प्रयासों के द्वारा शुरू हुआ? ये तो हम भी कई बार लिख दे चुके हैं और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को, और सरकार की भी ये मंशा रही है कि ये कैंपों का आयोजन हो जिससे कि ये जो दिव्यांग है वो लाभान्वित हो सके। तो इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और हमारे स्तर से जो हो सकता है दिव्यांग कल्याण अधिकारी को हम लिख कर देते हैं और उस पर वो आगे अपनी बात करते हैं जिलाधिकारी महोदय से। और एलिम्को एक कंपनी है। ये सारे दिव्यांग गाँव के होंगे? गाँव के, गाँव के ही हैं आप लोग? जी, गाँव से आते हैं। मतलब ये सारे गाँव सौरभ भाई प्रणाम। हम लोगों ने लगातार एक गांव पर चर्चा की शुरुआत की थी जी, क्योंकि गांव को केंद्रित करके जी, आपने उसको देखा जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको गांव पर चर्चा कैसी लगी? बहुत अच्छा प्रयास है गांव पर चर्चा जो आप करते हैं। आप यूथ हैं, युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, आप समाज को एक दिशा दे सकते हैं, है ना? जैसे आप हैं, ऐसे ही जब हर गाँव में दो चार लड़के इस क्षेत्र में काम करेंगे तो एक दिशा जाएगी समाज के लिए। समाज जो आज जाति, धर्म, मजहब, रिश्तेदारी, गांवदारी, नातेदारी, पैसे दारू दारी, तमाम दारियां चलती हैं चुनाव मैदान में, तो उन दारियों पर जो लोग गुमराह कर देते हैं, नेतागण गुमराह कर देते हैं और गुमराह करके लोगों को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बांट करके वोट सपोर्ट देते हैं, है ना? और वो अपना काम करते हैं। जो आपकी गांव की चर्चा है, वो गांव की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है कि आप जाते हैं गांव में, चौपाल लगाते हैं, चौपाल लगा करके जनता जनार्दन को बताते हैं कि आपको वोट कैसे लोगों को देना चाहिए, सपोर्ट कैसे लोगों को देना चाहिए, कैसे लोगों के साथ आपको खड़े होना चाहिए, आपको अपनी आवाज़ कैसे आधिकारिक सामने रखनी चाहिए, हमारे साथ अत्याचार, अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात को बुलंदी के साथ आप रखें। इस बात को जो आप गाँव की चर्चा पर समेट करके सारे समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर खुलकर बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश, बड़ी खुशी है, देश, गांव और इस पूरे समाज की एक ऐसा समय होगा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की रही होगी। पूरा देश लॉकडाउन हो चुका था, पूरे लॉकडाउन का लोग अपने घरों में थे, गांव के लोग भी आपस में हाथ मिलाना भी बंद हो गया था, दूर से बातचीत चलना था दो गज की दूरी का। वो लॉकडाउन का दौर हमने देखा जब लोगों के खाने पीने की भी ऐसी समस्या आ गई कि कोई विकलांग रहा हो या कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति रहा हो, तो उस समय को आप कैसे देखते हैं? और हमने आपकी सेवा भी देखी थी, आपने काफ़ी लोगों की सेवा की थी समाज में। संकट का समय और संकट के समय में समाज हमको जनसेवक कहता है। समाज जिनको जनसेवक कहता है और जो अपने नाम के आगे समाज से भी बड़े गर्व से लिखते हैं, ये उनका दायित्व तो बनता है कि जब देश संकट में हो, जब हमारा भारत संकट में हो, जब गांव, देहात, शहर, मजरा, कस्बा, पुरवा सब संकट में चल रहे हैं, जिस समय सारे नेताओं के ताले बंद हैं, सारे समाज सेवियों के ताले बंद हैं और अपने घरों के अंदर अपनी जान बचा करके छुपे हैं, उस समय ये हमारा दायित्व तो बनता है, हमारे जैसे नौजवानों का दायित्व तो बनता है कि समाज के बीच में जाए और समाज के बीच में जा करके जिसकी जो समस्या है, मैं लॉकडाउन में, बराबर लॉकडाउन में आप और आपके जैसे तमाम साथी देखने वाले हैं, मैं लॉकडाउन के समय में जनता के बीच में आता रहा, अकेले अपनी गाड़ी का पास बनवाता था, मैं अपने साथ दूसरा आदमी नहीं लेता था कि वो कोरोना पॉजिटिव कहीं ना हो जाए तो मेरे कारण उसको समस्या हो जाए। मैं अकेला बंदा गाड़ी ड्राइव करके सीधा पानी, ये दिव्यांग हैं, 100% दिव्यांग हैं और ये कुचारम गांव के हैं, इनकी पत्नी भी दिव्यांग है, ये भी दिव्यांग है। मैं लॉकडाउन के समय में इनके घर पहुंचा, इनसे पूछा, इनकी व्यवस्था की। ऐसे तमाम दिव्यांग हैं, ऐसे तमाम वृद्ध हैं, ऐसे तमाम विधवाएं हैं जिनकी स्थिति परिस्थिति नाजुक थी, हमने उनको सीधा पानी देने का काम, मास्क देने का काम, साबुन देने का काम भी आपने किया था। बिल्कुल, हमने मास्क मैंने मास्क 28,000 मास्क मैंने इस एरिया में 35 गांव में काम करता हूँ। कहाँ से आता था धान आपके पास? वो धान तो मेरा, पैसा कैसे आया? मेरी स्वयं की व्यवस्था है, वो मेरे पास खेती है, मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरे पास इंटरलॉकिंग मशीन की कंपनी है, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से हम धन अर्जन करते हैं। लोग धन कमाते हैं, बैंक जमा करते हैं, हम जो धन कमाते हैं उसका 80% धन समाज की सेवा में खर्च करता हूँ और 20% धन में मेरा परिवार पलता है। मैं नंबर एक का भोजन करना
सीमित कर दिया। मुझे नून रोटी भी मिलती है तो मैं खुश हूँ, लेकिन उस पैसा जो बचता है उस पैसे से मैं समाज की सेवा करता हूँ। ये मेरा मेरे मैं चूँकि पेशेवर सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं हृदय से सोशल वर्कर। अच्छा, लोग कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी चुनाव जीतने के लिए सब देते हैं, लोग इस समाज सेवा को ढोंग भी कह रहे हैं, क्या सत्यता है इस बात? देखिए, हमारा काम है काम करना। हमारा काम ये नहीं है कि जो भी कोई महापुरुष रहा हो, चाहे राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, आजाद भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद जो भी रहे हैं, महात्मा गांधी रहे हों, जितने भी महापुरुष रहे हैं उनके समर्थक भी थे और उनके आलोचक भी। और जब तक किसी की आलोचना नहीं होती तब तक निखार नहीं आता। कोई भी हीरा मिलता है उसकी पहले घिसाई होती है, जब घिसाई होती है तब वो चमकता है। कोई भी सोना है जब तक आग में परखा नहीं जाता तब तक उसमें पीलापन नहीं आता। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत चुनाव में आप अपने आप को कितने पानी में पाते? आपको पता है कि अभी बड़े बड़े मठाधीश आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे जो अपने आप को तोलना चाहते हैं या अपने आप को बड़ा पद वाला समझते हैं, उनके बीच में आप अपने आप को कैसे पाते हैं? आपको कैसे लगता है कि आपको चुनाव जीते? हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन कोई भी समाजसेवी है जो समाज की सेवा कर रहा है हृदय से तो उसको समाज में राजनीतिक दृष्टिकोण में भी आना चाहिए। क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की कमी है इसलिए बुरे लोग चुनाव जीत करके जाते हैं। जब राजनीति में अच्छे लोग चुनाव लड़ने आएंगे तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब जानती है। जब उसको अच्छा व्यक्ति मिलेगा तो पब्लिक वोट करेगी। जो पब्लिक को अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता, 10 लोग हैं, 10 में जो भी मिलेगा उसको वोट करेंगे, लेकिन 10 में अगर 11वां कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया तो जनता वोट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपको जनता पर भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता जनार्दन पर मेरा भरोसा है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं खड़े, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी आप समाज सेवी, पहले भी मैं चुनाव लड़ा हूँ और पहले भी मैं समाज सेवा करता रहा हूँ। मुझे 16 साल गए थे चुनाव, मैं चुनाव हार गया था। चूँकि देखिए, मैं जिला पंचायत 2010 का लड़ा था, बड़े कम मतों से हारा था। उस समय मेरी समाज सेवा की जो लिस्ट थी वो एक छोटी सी थी, एक छोटा सा व्यक्ति था मैं और छोटी सी सेवा में आया था, लोग परिचित नहीं थे, लेकिन तब भी मुझको जनादेश मिला था। मैं विधानसभा 2 बार हारा हूँ, उन पार्टियों का कोई विशेष महत्व नहीं था। जनता जनार्दन हृदय से चाहती थी, जिस जगह जाता था 100 लोग मिलते थे, कहते थे कि भैया बहुत अच्छा है, आप संघर्ष करते रहिए, आने वाला समय आपके साथ है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो वोट में डाइवर्ट नहीं हो पाए, लेकिन इस बार का जो 2021 का चुनाव है, अगर जिला पंचायत ओरा सामान्य सीट होती है तो हम प्रत्याशी बनकर के आएंगे। और ये मैं प्रत्याशी नहीं होऊंगा, हर गाँव में 100-200 नौजवान है जो आशीष रघुवंशी बना घूम रहा। एक अंतिम सवाल, और चूँकि पंचायत चुनाव बड़े नज़दीक हैं और दबंग मानसिकता माफिया चुनाव पर हमेशा हावी रहे हैं, तो इन पंचायत चुनाव पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि संवेदनशील नेतृत्व तो आएगा तो क्या होगा और दबंग रहेगा तो क्या होगा? जनता जनार्दन को देखिए, सीधा सीधा एक मैं गांव का हूँ, मेरा गांव लोहदा, और मैं गांव की परिभाषा जानता हूँ और क्षेत्र के लोग भी गाँव की परिभाषा जानते हैं। गाँव में सीधी सी बात है, दो प्रकार के होते हैं, जैसे जिस हम नाटे को निकाल लेते हैं, गाय के बछड़े को, जिस बछड़े को हम निकाल लेते हैं है ना, उसमें आषाढ़ में हम हराई दो हराई चार हराई बीघे दो बीघे चार बीघे जोत लेते हैं, लेकिन जिस गाय के बछड़े को दगा करके छोड़ दिया जाता है, साढ़ बना दिया जाता है, उससे जनता जोतने की आशा खत्म कर देती है, खत्म कर देती है। तो मैं 10 माटी क्या चलब कनियान नाटा हूँ, चाहे चौंता जुआ हर भाई के जनता जोत ले कांधा न मिली हूँ, लेकिन जो साढ़ चुनाव जीत के जई हैं, जो दारू मुर्गा के दम पर, भौकाल के दम पर, ददुआई के दम पर, गुंडाई के दम पर, जाति के दम पर, धर्म के दम पर, नाम ऐसे नामों पर जो चुनाव लड़ने आते हैं, ऐसे साढ़ अगर चुनाव जीत करके जाएंगे तो जनता इनसे जोतने की आशा नहीं करेगी। इन वही के जोते जोताए ख्यातन के हरेरी चरी है और उग्या बोली है, और जनता अगर नेरे जाई तो बेली उड़ाई है। आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, संदेश जनता को देश की भाषा में देना चाहिए, मुर्गा और दबंगों से बच करके मतदान करें, युवाओं को मतदान करें। जनता जनार्दन से विनम्र मेरी ये अपील है, इस बात जाति धर्म मजहब के नाम पर नहीं, दारू मुर्गा और ये भौकाल और पैसेदारी के नाम पर नहीं, जनता इस बार जनादेश दे, अपना अपना मत दे तो एक सोशल व्यक्ति को दे, एक अच्छे व्यक्ति को दे, मैं नहीं कहता मुझको दे, जितने प्रत्याशी हैं उन पर देखे कौन व्यक्ति ऐसा है जो विषम परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा होगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो लॉकडाउन रहा हो, चाहे लॉकडाउन के पहले रहा हो, चाहे लॉकडाउन के बाद रहा हो, चाहे आज रहा हो, हमारे साथ खड़ा है। और जो आज खड़ा है वो कल खड़ा रहेगा, और जो आज नहीं खड़ा है वो कल भी नहीं खड़ा होगा। ये सब मौके परस्त लोग हैं, मौके पर नेता चुनाव लड़ने आएंगे और उसके बाद दिखाई नहीं देंगे जैसा चलता रहा।
तो ये थे हमारे साथ आशीष रघुवंशी, जिन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर के, गांव के विकास को लेकर के, गांव पर चर्चा के माध्यम से एक बड़ी बात अपने रखी है। पंचायत चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश भी जनता को प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि जनता को इस बार युवाओं को मौका देना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व को मौका देना चाहिए, जिसने समाज सेवा की हो, जो जनता के दर्द को समझता हो और जो जनता के लिए काम करना चाहता हो। तो हम भी जानना चाहते हैं कि गाँव पर चर्चा के माध्यम से, इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी, इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि गाँव के लोग अपने मुद्दों पर विचार करें और गाँव के विकास के बारे में विचार करें, गांव का निरंतर एक विकास होता चला जाए, जिससे नालियां आपस में कनेक्ट हो सके और गांव में अच्छी सड़क हो, अच्छा जीवन स्तर हो। इन सारी बातों को लेकर के हमने आशीष रघुवंशी से अभी चर्चा की, जिन्होंने एक अच्छा संदेश प्रदान किया है। आगे फिर मिलेंगे किसी और शिक्षित के साथ, किसी और एक अच्छे समाजसेवी के साथ, एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ, फेस टू फेस बातचीत में।